व्रत में बस एक कटोरी खा लो, सारा दिन थकान कमजोरी कोसों दूर रहेंगे और कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल के समय में, नए जमाने में, नए तरह के तामझाम के चीज़ों को बना बना कर थक गए हैं, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी है। तो मैं यहाँ धोकर 1 किलो आलू ली हूँ और इसे कुकर में डाल देती हूँ उबलने के लिए। इसमें 1 कटोरी पानी डालकर मैं उबलने के लिए रख दूँगी। बस 2 सीटी आएंगे, इसके बाद उतार कर ठंडा कर लूँगी। इसे छील लेते हैं अच्छे से, पूरा छिलका निकाल लेंगे इस तरह से। तो देखिए पूरा आपको छील कर दिखाती हूँ, तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ना दोस्तों। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद है। इसे खाने के बाद मुझे भूख दिन भर नहीं लगता और सारा दिन एनर्जी फील करती हूँ और मुझे थकान कमजोरी बिल्कुल नहीं आता। और सच पूछिए तो बचपन में हमें ये बहुत पसंद था। जब बड़े लोग उपवास किया करते थे तो इसे खाने के लिए मैं भी उपवास कर लिया करती थी। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे बनाने के लिए आ गई हूँ। अब यहाँ पे 2 चम्मच मैं इसे घी लूँगी और घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। इसमें 1 चम्मच जीरा लूँगी। तो चलिए पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए थोड़ी सी 2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है दोस्तों, तो इधर देख लेते हैं, मैं इसको गुड़ से बना रही हूँ। आप चाहो तो चीनी से भी बना सकते हो, पर इसका ना प्योर गुड़ से ही इसका स्वाद आता है। तो जब भी बनाइएगा तो गुड़ ही लीजिएगा। तो मैं गुड़ को यहाँ पे देखिए 2 भेलियाँ ली हूँ, भेलियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो 2 भेलियाँ ली हूँ गुड़। ये अगर किलो से नापेंगे तो 100-100 ग्राम का होगा, तो 200 ग्राम गुड़ है। और अगर कटोरी से लेंगे तो 1.5 कटोरी गुड़ इस पे है। तो इसे ना चाकू से बारीक कर लेती हूँ। तो पाउडर भी गुड़ आता है, उसको भी इस्तेमाल करने लायक होता है, पर स्वाद उतना नहीं आता है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं। इसे मैं चाकू से रफली काट लेती हूँ सारे को। तो देखिए मैं काट कर रख ली हूँ। अब इधर मेरा आलू भी अच्छे से भून चुका था, सौंधी खुशबू आ रही थी, इसे निकाल लेती हूँ बाहर। इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए निकाल कर मैं इसे रख लेती हूँ आलू को। अब इसी पैन में मैं गुड़ डालकर चाशनी बनाऊँगी। तो गुड़ जो रखी थी रफली करके उसे ले ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 कटोरी पानी का इस्तेमाल करूँगी, पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी, ज़्यादा डालेंगे तो लेट लगेगा बनाने में, इसीलिए 1/2 कटोरी पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, 1 मिनट में आप देखेंगे कि गुड़ मेल्ट होकर अच्छे से बबल आने लगते हैं। तो चलिए इसे गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। तो यहाँ देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है एकदम अच्छे से, और ऊपर कितना अच्छा बबल आ रहा है। तो अब यहीं पर मैं थोड़ी सी 1 चम्मच घी ऊपर से और ऐड करूँगी गुड़ में। इससे ना चिकनापन आता है, बहुत टेस्ट आता है। तो देखिए 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप व्रत के लिए बना रहे हो तो घी का इस्तेमाल कीजिए, अगर ऐसे खाने के लिए बना रहे हैं तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सरसों तेल छोड़कर। तो चलिए अब यहाँ पे चाशनी तैयार था, अब इसमें डाल देती हूँ आलू। अब आलू को डालकर इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गुड़ में उबलने दीजिएगा, ताकि जो गुड़ है ना वो सारे चाशनी को अब्जॉर्ब कर ले ये आलू, और बहुत टेस्टी बन जाए। तो चलिए मैं इसे मिक्स करते हुए इसको अच्छे से उबलने देती हूँ। आप चाहो तो दोस्तों थोड़ी सी साबूदाना भी इसमें ऐड कर सकते हो, मखाना भी इसमें ऐड कर सकते हो, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैं यहाँ पे इसको उबाली थी, और एकदम हेल्दी और टेस्टी आलू का नया नाश्ता बनकर तैयार है दादी नानी वाली। तो आप भी इस तरह से बनाइए, कोई तामझाम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जब भी हम उपवास रहते हैं दोस्तों, तो सोचते हैं कि जल्दी से कुछ ऐसा हेल्दी बना ले जो खाने में भी टेस्टी हो और दिन भर एनर्जी दायक भी हो। तो लीजिए, बनकर हमारा तैयार हो गया आज का मीठा आलू। तो स्वीट पोटैटो दम बनकर तैयार है। तो इसे आप 1 कटोरी बस सुबह सुबह खाइए और सारा दिन एनर्जी फील कीजिए, थकान कमजोरी सब कोसों दूर हो जाएगा। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आज का नाश्ता तैयार है, स्वीट पोटैटो, बहुत अच्छा और टेस्टी। फ्रेंड आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।